फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं जसनीत कौर और अब आप मेरे साथ देखने वाले द हिंदू की न्यूज डाइजेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं 26 को क्या क्या 3 दिन मनाए हैं हमने, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है, नेशनल मिल्क डे मनाया है और एक 26/11 जो मुंबई के टेरर अटैक्स हुए थे उसकी 9th एनिवर्सरी थी। तो चलिए कुछ बात हम जान लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। कौन थे इसके प्राइम आर्किटेक्ट? B.R. अंबेडकर। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है दिल्ली में उसके उद्घाटन किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और कौन ऑर्गेनाइज करा है? लॉ कमीशन एंड नीति आयोग। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। इसमें से एक बात तो ये पूछी जा सकती है कि कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कब से इफेक्ट में आया। प्राइम आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, पर ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, कब से इफेक्ट में आया, ये तो बहुत ही एक मेन बातें हैं। और एक और बात है, जो HRD मिनिस्ट्री ने इस बार डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया था वो क्यों किया था? अफर्मिंग द फेथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरेट करनी थी अवेयरनेस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब एक तो दिखाना चाहते थे कि वो हमारे देश में अभी भी कितना फेथ है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, एक जागरूकता फैलाना चाहते थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और कौन कैबिनेट मिनिस्टर है? प्रकाश जावेदकर। इनका नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। नेशनल मिल्क डे के बारे में जान लेते हैं कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी मार्क करता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन रहे हैं, सफ़ेद क्रांति के पिता। और 95th एनिवर्सरी इनकी ये थी। और ये वर्ल्ड में कब मनाया जाता है? June 1 को। कब से हम नेशनल मिल्क डे मना रहे हैं? 2014 से। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और क्या क्या पूछा जा सकता है? सफ़ेद क्रांति के पिता कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कब से मना रहे हैं हम? 2014 से। और किस दिन को मार्क करते हैं हम? 26 नवंबर को मार्क करते हैं हम नेशनल मिल्क डे। वर्ल्ड में कब मनाया जा सकता था? June 1 को। अब उनका एक आइडिया जो था, बिलियन लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और ये सबसे बड़ा रहा है एग्रीकल्चरल डेयरी का, दुनिया में सबसे बड़ा रहा है, बिलियन लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड। तो इसके बारे में भी ये याद रखने की बात हो गई। बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन वेमेन बैग 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज एट AIBA वर्ल्ड वेमेन्स यू चैम्पियनशिप जो कि गुवाहाटी में चल रही है, वहाँ पे हमारी महिलाओं ने 5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक जीत लिए हैं। इसका समापन कल हुआ है। शुरू कब से हुए थे? 19 नवंबर। AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। मैस्कॉट कौन है? गपी 1 हॉर्न्ड राइनो, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं। ऑफिशियल एंथम क्या है? मेक सम नॉइज। और अम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम, जिन पे अभी तक एक बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी लोगों की प्रेरणा भी है वो। और यही कुछ बातें हो गई इसके बारे में। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। मैस्कॉट, ऑफिशियल एंथम पूछा जा सकता है, अम्बेसडर पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है, 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज जीते हैं इंडिया ने। मैस्कॉट कौन है? ऑफिशियल एंथम। और कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में 19 नवंबर से। चलिए देखते हैं अब अपनी अगली न्यूज़। रितु फोगाट क्लिंचेस सिल्वर। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? किस चैम्पियनशिप में उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है? Under-23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, जो कि पोलैंड में चली है। और उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है एशियन चैम्पियनशिप May 2017 में। और नेशनल चैम्पियनशिप इन इंदौर भी जीत चुकी हैं, जो नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप थी उसे इंदौर में भी पिछले महीने वो जीत चुकी हैं। तो इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? उन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। Under-23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीता, जो कि कहाँ चल रही थी? पोलैंड। और इनके ये जो दो और इनके मैंने बारे में बताया है वो भी जान लेने के लिए है, वो इस चैम्पियनशिप से रिलेटेड नहीं है, पर वो रितु फोगाट जी से रिलेटेड हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। मेसी यानी कि लियोनेल मेसी ने जो है यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीत लिया है। क्या कौन सी भी बार जीता है? 4th टाइम जीता है। और इन्होंने किसको टक्कर दी है? अब क्रिस्टिनो रोनाल्डो को दी है। उन्होंने भी कितनी बार जीत लिया है? उन्होंने भी 4 बार जीत लिया है। और ये अवार्ड कौन देता है? यूरोपियन स्पोर्ट्स मीडिया देती है। ये किसको इसको देती है? ये सिर्फ उन्हीं को देती है जो कि टॉप गोल स्कोरर रहते हैं यूरोपियन लीग में उस सीजन के। कब से शुरू हुआ था? 1967-68 से। पहले इसे गोल्डन बूट अवार्ड कहा जाता था।
और ये किस ये लियोनल मेसी जी जो हैं वो किस किस के लिए खेलते हैं? एफसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। तो इसमें से क्या बातें याद रखने की हो गई, किसे गोल्डन शू अवार्ड मिला और ये कौन देता है, किस लिए देता है, कब से शुरू हुआ था, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई जो आप जान लें तो याद रखें। और इन्होंने फोर्थ टाइम जीता है यानी कि चौथी बार जीता है, और किसको टक्कर देते हुए, किसने पहले, इनसे पहले कौन जीत चुका है चार बार ये अवार्ड, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ये देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ को। एक्सिस बैंक लॉन्चेस इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस। ये जो इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस शुरू करी है वो रिपल एंटरप्राइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ टाई अप करते हुए है, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और इसमें क्या अवेलेबिलिटी मिल रही है, जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो रिसीव कर सकते हैं पेमेंट फ्रॉम यूए बेस्ड बैंक रैक बैंक, एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर से। तो ये इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो उन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है वो, इसमें बात ये याद रखने की है सर्विसेज यूजिंग रिपल नेट, इनकी कौन सी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, ठीक है। और ये इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज है, किस कौन सा बैंक प्रोवाइड करा रहा है, एक्सिस बैंक करा रहा है। एक्सिस बैंक के बारे में भी अब कुछ बातें जान लेते हैं। सीईओ कौन है, शिखा शर्मा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में है, फाउंडर 1993 और पहले क्या कहलाता था, यूटीआई बैंक कहलाता था। रिपल के बारे में भी अब कुछ बातें जान लेते हैं। ये आरटीजीएस प्रोवाइड कराता है यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, करेंसी एक्सचेंज सिस्टम है, और रेमिटेंस यानी कि आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं थ्रू रिपल। इनकी जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि वर्चुअल करेंसी है XRP है। इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी को ना ही हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक हामी भरी है और ना ही इसे इलीगल बताया है, यानी कि ना ही ये लीगल है इंडिया में यूज़ करना ना ही इलीगल है। लेकिन जो एक्सिस बैंक इसके साथ टाई अप करके करा है वो हम लोग एक्सेस मतलब वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्री में। और इनिशियल रिलीज डेट क्या थी, 2012। चलिए देखते हैं आज की अगली न्यूज़। म्यांमार बांग्लादेश ने जो साइन किया है, एक डील साइन करी, एक पैक्ट साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिटर्न ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, यानी कि जो बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो अब म्यांमार वापसी के लिए जो उन्होंने है एक डील साइन करी है, उसके अंतर्गत किसने, ये पहले बात कर लेते हैं किसने ये डील साइन करी है। ये करी है AH मोहम्मद अली, फॉरेन मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के, एंड ऑंग सैन सू की जो कि स्टेट काउंसिलर है म्यांमार की, नेप्युदौ में करी है ये, यानी कि जो कैपिटल है म्यांमार का वहाँ पे बैठ के उन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्योंकि रोहिंग्या जो है वो देखा जाए तो है तो वो रहने वाले म्यांमार के किन्हीं कारणों से, जो आर्मी के एक बल के कारण वो उन्हें म्यांमार छोड़ के बांग्लादेश जाना पड़ा। तो करीबन 6 लाख लोग हैं जो बांग्लादेश जा चुके हैं इन अगस्त से लेके अभी तक, तो उनके अब जो है वापसी के लिए उन्होंने डील साइन करी है कि वो अब म्यांमार वापस जाएंगे, अपने देश वापस जाएंगे। तो ये उस बात को रिलेट करते हुए एक डील साइन हुई है। और पिछले दिनों में आपने ये भी चर्चा सुनी होगी, इंडिया में भी कुछ शरणार्थी आके रहे हैं और भारत गवर्नमेंट उन्हें डिपोर्ट करना चाहती थी, जो कि बहुत इंटरनेशनली इसका अब अपोज किया गया है, ये बात को बहुत इंटरनेशनली अपोज किया गया है। और अब इस पर एक डील साइन हुई है और अब देखते हैं आगे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या कैसे चीज़ प्रोसीड करती है। अब म्यांमार के बारे में कुछ जान लेते हैं। म्यांमार का है कैपिटल नेप्युदौ, करेंसी बर्मीज कियात है, और प्रेसिडेंट है युथिन यौ। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टाका, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब इसके बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो ये डील रोहिंग्या के बारे में आपको जो है ना वो पूरी चीज़ एक बार पढ़ लेने की है, जान लेने की है, क्योंकि अगर आपके वो पेपर में नहीं भी आता है और तो आपसे वो पूछा जा सकता है ग्रुप डिस्कशन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान भी ये बातें पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जा सकती है, आपको ये बताया जा सकता है आपके क्या व्यूज़ हैं या अभी तक इस मैटर में क्या क्या हो चुका है, इंडिया का इसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे, जान लेंगे, ये सारी बातें समझ लेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको इंटरनेट के थ्रू भी मिल जाएंगे, तो ये आप इसे इन बातों को इसलिए भी याद रखना है कि अगर आप अपनी कोई बात स्टेट करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हों कि आप इस बारे में बोल सकें। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अप 17% अप्रैल सितंबर के जो ड्यूरेशन है उसमें कितना ऊपर गया है, 17% गया है, इंक्रीज फ्रॉम 21.62 बिलियन टू 25.35 बिलियन इन USD यानी कि US डॉलर। तो ये बात याद रखने की होगी, FDI कितना गया है अप्रैल टू सितंबर में ऊपर, 17% गया है, और ये बात दिमाग में बिठा लेने के लिए है, ये पूछी जा सकती है।
और अब अपने अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। 12th इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग, जो 12वीं है इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग, वो हेल्ड की गई और उसको चेयर किसने किया? यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। और इसमें 118 रिकमेंडेशंस पे बात करी गई है। कब हुई थी ये काउंसिल? नवंबर 25 को। सब्जेक्ट्स को जो डिस्कस करेगा वो ऐसे हैं, जीएसटी के बारे में हुआ है, मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांसफर, जो सेंटर टू स्टेट होते हैं वो ट्रांसफर के बारे में हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है इस मीटिंग के दौरान। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, जो बात करें हैं ना हम 12th इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग, तो ये जो इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग है, ये जो काउंसिल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 263। इसके बारे में अपन क्या पूछा जा सकता है? किसने से चेयर किया? ये कौन सी भी है? 12वीं। और इसमें 118 रिकमेंडेशंस के बारे में इन्होंने जो है बातचीत करी है, 118 रिकमेंडेशंस, और सब्जेक्ट जो डिस्कस किए गए वो इतने नहीं पूछे जा सकते, बट 118 रिकमेंडेशन, 12वीं इंटरस्टेट काउंसिल है, किसने चेयर किया और ये कब हुई थी? 25 नवंबर को हुई थी। किसने इसे चेयर किया? यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं जो कि स्टैटिक हैं। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। फॉर्म कब हुई थी? 28 मई 1990। इसके रिकमेंडेशन पे, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे, आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुआ था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए देखते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ को। S&P रिटेन्स इंडियाज रेटिंग एट BBB। BBB यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने जो है सॉवरेन रेटिंग है उसे BBB रखा है, अनचेंज रखा है, मतलब कोई चेंजेस नहीं करे हैं, और A3 फॉर शॉर्ट टर्म रखा है। BB3 लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और जस्ट वन नॉच अप है, यानी कि एक स्तर ऊपर है जंक स्टेटस से, ठीक है। और ये रेटिंग्स इसलिए याद रखने की हैं क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं, और ये जो रेटिंग्स जब देते हैं ना सॉवरेन रेटिंग्स, तो ये कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करते हुए देते हैं, इनकी कोई एल्गोरिदम्स होती हैं, ये काफ़ी सारे जो है हमारी GDP वगैरह ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए ये कैलकुलेशन करते हैं, और ये तभी बताते हैं जब कोई देश इनसे रिक्वेस्ट करता है। ऐसे नहीं कि वो सारे देशों की हर जगह की हर तरीके की वो कैलकुलेट करते हैं, जब जैसे इनसे पूछा जाए तब ये बताते हैं। और सॉवरेन रेटिंग है और BBB पे है लॉन्ग टर्म और A3 पे है शॉर्ट टर्म की। रेटिंग्स बीन कंस्ट्रेंड बाय इंडियाज लो वेल्थ लेवल्स, ये इसके क्या पैरामीटर्स रहे, ये क्यों कंस्ट्रेंड हुई? लो वेल्थ लेवल्स मेजर्ड बाय GDP पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन जो GDP की मेजरमेंट होती है उस पे के बेसिस पे है, एस्टिमेटेड एट $2,000 इन 2017। GDP पर कैपिटा कितनी एस्टिमेट रही थी? $2,000 इन 2017। तो उसके बेसिस पे जो इन्होंने है ये रेटिंग दी है, ये रेटिंग पूछी जा सकती है। किसने दी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने दी है। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। फाउंडर हेनरी वर्नम पुअर हैं, फाउंडेड 1860। S&P ग्लोबल दैट पब्लिशेस फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज। तो एनालिसिस किस पे होती है इनकी? स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटी पे होती है। पब्लिशर्स फाइनेंशियल रिसर्च, तो ये रिसर्च यानी कि मैंने जैसे कि बताया था कुछ एल्गोरिदम्स लेके ये रिसर्च के बेसिस पे चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं और रेटिंग्स देते हैं। ये है हमारी अगली न्यूज़। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो कि इनॉग्रेट कराया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हरियाणा में, कंक्लूड हो गई है, 3 दिसंबर को होगा। मॉरिशस इसमें पार्टनर कंट्री है, उत्तर प्रदेश इसकी पार्टनर स्टेट है। इसे देश दुनिया समझे, इसके उपदेश को जाने और अपने जीवन में लागू कर सके। 20 लाख लोगों ने और फ्रॉम 35 कंट्रीज पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार के स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं क्या रहते हैं, वो काफ़ी बड़े ही रहेंगे। 20 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा था। किसने इनॉग्रेट करा है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इसका अब ये भी बात पूछी जा सकती है, इसका बेसिक मोटिव क्या है? पार्टनर कंट्री मॉरिशस, उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट है। तो अब अपने प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। रामनाथ कोविंद जी जो है वो हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं और करंट प्रेसिडेंट हैं। ऑफिस कब इन्होंने अज्यूम करा था, कब से इनका कार्यभार इन्होंने संभाला था? 25 जुलाई 2017। प्रीवियसली ही हैड सर्व द टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 2015 to 2017। यानी कि इन्होंने इलेक्शन से पहले, जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उससे पहले इन्होंने ये कार्यभार गवर्नर ऑफ बिहार का छोड़ा और फिर वो बने हैं 14th एंड करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।